बड़ी अपडेट के साथ बात करेंगे झारखंड में चल रही सियासी गर्माहट की। झारखंड कांग्रेस के 12 नाराज विधायक इस वक्त दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 12 में से 8 ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है, 12 नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस के विधायक पुराने मंत्रियों को फिर मंत्री बनाने को लेकर नाराज है। इनका दावा है कि कांग्रेस कोटे से नए विधायकों को मंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसके बाद आज नाराज विधायक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। कुल 12 विधायक नाराज बताए जाते हैं, उनमें से 8 दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जो 12 विधायक नाराज हैं, आइए उनके बारे में आपको और विस्तार से बता देते हैं। ये हैं, देखिए आप, जो 12 विधायक नाराज हैं, दीपिका पांडे सिंह 1, इरफान अंसारी, अनूप सिंह और रामचंद्र सिंह, ये कांग्रेस के नाराज विधायकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भूषण बारा, शिंकू, अकेला यादव, अंबा प्रसाद, ये भी नाराज बताए जाते हैं। कुछ और नाम आप देख लीजिए, पूर्णिमा नीरज सिंह, इसके अलावा नेहा तिर्की, राजेश कश्यप और विक्सल गोंगाड़ी भी नाराज बताए जा रहे हैं। ये सारे कांग्रेस एमएलए हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्या है इनकी नाराजगी की वजह और क्या अब हो सकता है जब इनमें से 8 दिल्ली पहुंच चुके हैं, आइए समझते हैं ज्ञानेंद्र से। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैनेन्द्र हमें बताने जा रहे हैं कि अब क्या हो सकता है इस संदर्भ में। जैनेन्द्र, देखिए, झारखंड को लेकर दिल्ली में आज काफी गतिविधियां होंगी। सबसे अहम बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दोनों मुलाकात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। एक तो ये नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद एक औपचारिक मुलाकात भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी सामने आई है और कहें कि बगावत सामने आई है, उसको सुलझाने को लेकर के भी फार्मूले पर बातचीत होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारा जेएमएम और कांग्रेस में झारखंड में किस तरीके से होगा, बातचीत पहले से चल रही है, उस बातचीत को भी अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। तो ये बात है, हालांकि बागी विधायकों को लेकर के कांग्रेस लीडरशिप के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि उन सबसे बात की जाएगी, उन सबको मनाया जाएगा। हालांकि जो प्रमुख मांग है बागी विधायकों की, नाराज विधायकों की, कि जो 4 कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं उनमें बदलाव किए जाएं, बदलाव की संभावना बेहद कम है, ये कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस विधायकों की जो नाराजगी है, उनकी जो उनका जो पक्ष है, उसको जरूर समझने की कोशिश होगी और उन्हें मनाने की कोशिश होगी। तो हालांकि अभी तक नाराज विधायकों के साथ कांग्रेस लीडरशिप की मुलाकात का समय तय नहीं है, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन जो मुलाकात होनी है झारखंड के मुख्यमंत्री से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, अब से कुछ देर में 11:30 बजे, देखना है कि क्या उसमें कोई बीच का रास्ता अपने विधायकों को मनाने के लिए खड़गे साहब चंपई सोरेन को मना पाते हैं या नहीं। जी। ठीक है, महत्वपूर्ण अपडेट आप दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए जैनेन्द्र। आप अब आपके जहन में होगा कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं कि उनकी नाराजगी के कारण क्या है। कैबिनेट में पुराने चेहरों को रिपीट करना एक बड़ा कारण है उनकी नाराजगी का। कैबिनेट में नए चेहरों को मंत्री पद नहीं देना भी उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण है। विधायकों को विश्वास में न लेकर मंत्री बनाना भी उनकी नाराजगी की वजह बताया जा रहा है और कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज से भी ये विधायक खफा बताए जाते हैं, ये इनकी नाराजगी के कारण है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी विधायक विरिंची नारायण ने तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि चंपई सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड के बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं इस नाराजगी के बीच में कि चंपई सोरेन सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और चंपई सोरेन जी भी उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, पूरी की पूरी जो इंडी जमात है झारखंड में, चाहे जेएमएम के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, सारे भ्रष्टाचारियों की बारात है। ये सारे के सारे मंत्री बनना चाहते हैं, 12 मंत्री बनना चाहते हैं, सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए। ये सरकार गिरेगी, कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। ये जो चंपई सोरेन जी हैं, पीछे पीछे जितना भागना है भाग ले, ये अंतर विरोध से गिरेगी, भ्रष्टाचार से गिरेगी, इनकी सत्ता लोलुपता से गिरेगी, ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि ये सरकार जाने वाली है। अच्छा, चंपई सोरेन जिस तरीके से साथ आए, तो क्या चंपई सोरेन के मन में कुछ डर बना हुआ है? क्या उनको डर है कि पार्टी, क्योंकि अभी सब कुछ विस्तार मंडल चल ही रहा है, तो उसमें क्या कुछ डर चंपई सोरेन के मन में? स्वाभाविक है कि जब उनके 12 विधायक दिल्ली आ गए, एक दर्जन विधायक दिल्ली आ गए, तो बचा क्या?
उनकी सरकार तो स्वतः गिर गई मान लीजिए आप। सरकार किसी कारण से आज बच भी गई तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीतने जा रही है। झारखंड में इससे ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये जिस तरह से झींगा मुश्ती कर रहे हैं, जिस तरह से ये भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस तरह से ये हरकत कर रहे हैं, इससे हमारे वोट का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली, झारखंड भवन। और झारखंड की राजनीति पर एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलेंगे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सुबह 11:30 बजे, थोड़ी देर बाद। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ही यह मुलाकात होगी। जयनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी उसी जगह से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। और क्या अपडेट है आपके पास जयनेंद्र? बिल्कुल राजेंद्र, जैसे मैंने आपको बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होनी है। नई सरकार की शपथ के बाद ये पहली मुलाकात है और इसमें लेकिन नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके का संकट, राजनीतिक संकट सामने आ गया और उसकी वजह कांग्रेस है, इस मसले पर बातचीत होगी। जो एक दर्जन के करीब में कांग्रेस के नाराज विधायक है, उन सबकी आपत्ति यह है कि जो 4 कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हैं वो पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से मंत्री है, लेकिन उनके कामकाज और उनकी छवि के मद्देनजर इन्हें आशंका है कि उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है, वोटरों तक संदेश खराब है और इसी वजह से कांग्रेस में एक गुट है, ज्यादातर विधायक हैं जो बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस लीडरशिप की दुविधा यह है कि जो 12 के करीब में नाराज विधायक है, देखिए उनमें एक दूसरे का समर्थन एक दूसरा विधायक नहीं कर रहा है, हर कोई मंत्री बनना चाह रहा है। ऐसे में जो जिनकी शपथ हो गई है उनमें से किसी को बदल करके किसी नए को मंत्री बनाना जो है वो मुश्किल लग रहा है और ज्यादा समय भी नहीं बचा है। बहरहाल रास्ता तो सुलझाना ही होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इसी वजह से आज चंपई सोरेन और खड़गे की जो मुलाकात है 11:30 बजे से शुरू होगी, उस पर नजरें रहेंगी। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी दोनों उच्च नेताओं आला नेताओं के बीच बातचीत होगी। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखेंगे ही नई सियासत जो है उस पर बयानबाजी भी, जो ये नया टर्न आया है झारखंड की सियासत में उस पर बयानबाजी तेज हो गई है, दिखाते हैं आपको। परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है, वो किसी से नाराज नहीं थे। बसंत जी, उनको कुछ बातें थी जिन बातों को उन्होंने रास्ते से मुझे फोन करके बुलाया गया सीएम हाउस पर, वहां मुझे पता चला कि ये लोग कर रहे हैं मुझे ड्रॉप करने का। जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बताए मुझे, तो उन्होंने कहा कि बहुत दबाव है कांग्रेस का और कांग्रेस को लोग बगावत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि ये अपमान हुआ है और अपमान को मेरे जैसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ऐसा कदम होगा जिसके लिए सारे लोगों को सूचित रखने के लिए बात करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने ही केवल थोड़े भ्रष्टाचार किया, उनके जो कांग्रेस के मंत्री उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। 12-14 MLA हैं उनके और सभी जो है वो अलग अलग हैं। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ शुभ समाचार जल्दी ही मिलेगा। ABP News आपको रखे आगे।